मैं आज आपको ब्रोकेट के मटेरियल और ओल्ड शॉपिंग बैग और अस्तर के कपड़े से एक शानदार चीज़ बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए मैंने 24 इंच लंबा और 11 इंच चौड़ा ब्रोकेट का कपड़ा लिया है, उसी लंबाई का शॉपिंग बैग लिया है और उसी लंबाई का मैंने अस्तर का कपड़ा लिया है। इनको इकट्ठा रखकर ऊपर से जोड़ने के बाद हमने इसको फोल्ड कर लिया सेंटर से। सेंटर से फोल्ड करने के बाद जो नीचे की फोल्डिंग साइड है उसमें हम मार्क करेंगे। उसके लिए हम नीचे से जो फोल्डेड साइड है वहाँ से 2.5 इंच और कॉर्नर से भी 2.5 इंच कर लेते हुए हम इसमें एक बॉक्स तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने एक बॉक्स तैयार कर दिया है। सेम इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी बॉक्स तैयार करेंगे, 2.5 इंच कॉर्नर से और 2.5 इंच नीचे फोल्डेड साइड से। देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। अब ये बॉक्स तैयार करने के बाद हम ऊपर की तरफ कॉर्नर से 2 इंच लेते हुए बिल्कुल ऊपर की तरफ मार्क लगाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी करेंगे, 2 इंच पर मार्क लगाएंगे। ये मार्क लगाने के बाद हम ऊपर साइड से जो हमारा बॉक्स है बॉक्स के ऊपर वाले कॉर्नर तक एक तिरछी लाइन खींचेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम एक तिरछी लाइन खींच लेंगे। देखिए, ये हो गया। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड भी एक तिरछी लाइन खींचेंगे, ये बॉक्स का ऊपर वाला हिस्सा और ऊपर वाला जो सबसे कॉर्नर का ऊपर का जो मार्क था उसको मिलाते हुए हम ये लाइन खींच देंगे। अब इस लाइन को खींचने के बाद में हमें बॉक्स को और इस मार्क को, मतलब जो हमने चौक से निशान बनाए हैं, इन पर कट करना है। तो सबसे पहले हम नीचे के दोनों बॉक्स कट करते हैं। बॉक्स को कट करने के बाद में अब हम ये एक साइड का ऊपर का जो हमने मार्क किया है उसको कट करते हैं, क्योंकि हमारा जो ये कपड़ा है ये फोल्डेड था, डबल फोल्ड में हमने निशान लगाया था। हम इसको खोल कर एक साइड से कट कर लेंगे, क्योंकि कपड़ा मोटा होने की वजह से यदि डबल में हम कट करते हैं तो ठीक से नहीं कटता। तो ये देखिए, हमने इस तरीके से दोनों तरफ एक, मतलब एक पार्ट के दोनों तरफ के हिस्से हमने कट कर लिए। अब कट करने के बाद में हम इस हिस्से को बैक बीच में से फोल्ड करते हुए वैसे ही रखते हैं और हम उसको फिर से कट कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारा एकदम एक जैसा बराबर आएगा कट करने पर। ये हमने दोनों साइड से कट कर लिया। अब इसे कट करने के बाद हम इसको चेन इसमें जोड़ेंगे। चेन जोड़ने के लिए हमने 7 इंच की हमें चेन चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेंगे, इसलिए हम 8 साढ़े 8 इंच की चेन ले लेते हैं। वैसे हमें तैयार नाप 7 इंच चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर के हिस्से में चेन जोड़ेंगे और पीछे दाब सिलाई दे देंगे। उसके बाद दूसरे हिस्से में जोड़ के उसमें भी दाब सिलाई दे देंगे। तो ये देखिए, हमारी चेन जोड़ कर तैयार हो गई है। अब हम इसको एक साइड रख देते हैं और बेल्ट तैयार करते हैं। बेल्ट तैयार करने के लिए हम 20 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा ब्रोकेट मटीरियल लेंगे। उसी लंबाई चौड़ाई का हम अंदर शॉपिंग बैग का टुकड़ा लेंगे और इसको फोल्ड करते हुए दोनों साइड सिलाई करेंगे तो हमारे दोनों बेल्ट तैयार हो जाएंगे। अब हमारे जब दोनों बेल्ट तैयार हो गए हैं तो हम बैग पर मार्क करेंगे कि हमें कहाँ पर बेल्ट लगाने हैं। तो दोनों साइड से जो ओपन साइड है वहाँ से 2-2 इंच की दूरी लेते हुए और ऊपर चेन से 1 इंच की नीचे लेते हुए हम निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों पर हम अपने बेल्ट जोड़ेंगे। तो हम बेल्ट को पहले उल्टा रख के जोड़ेंगे और उसके बाद हम सिलाई करने के बाद में फोल्ड कर देंगे ताकि इनमें डबल सिलाई होने से मजबूती आ जाए। ये देखिए, इस तरीके से हम दूसरे साइड को जोड़ते हैं। जोड़ने के जब हम दोनों सब तरफ बेल्ट जोड़ देंगे तो उसके बाद हम चेन में रनर डालेंगे और रनर डाल के हम इसको बंद कर देंगे। ये देखिए, हमने रनर डाल दिया है। अब हम बैग को पलट लेंगे। ये देखिए,
से हमने पूरा रन्ना डाल लिया, अब हम बैग को पलटेंगे और पलटने के बाद अब हम इसमें अंदर साइड से सिलाई करेंगे। ये देखिए हमने बैग को पूरे से पलट लिया है, अब हम दोनों कॉर्नर्स को सिल लेंगे। बेल्ट को हम बीचों बीच कर देंगे ताकि वो सिलाई में न लगे, और सिलने के बाद हम दोनों तरफ पाइपिंग से कवर भी कर देंगे इसको ताकि हमें रफ एजेस ना दिखें। इसके बाद जो नीचे वाला हिस्सा है कट वाला, उसको भी हम सिल देंगे और उसको भी हम पाइपिंग से कवर कर देंगे। ये देखिए अंदर से बैग कितना नीट एंड क्लीन दिख रहा है, कहीं भी कोई भी रफ एजेस नहीं दिख रहे हैं। अब इसके बाद हम इसको पलट देंगे। ये देखिए हमने इसको पलट लिया है और सारे कॉर्नर्स अच्छे से नोक लगाते हुए बाहर। ये हमने सारे कॉर्नर्स अच्छे से बाहर निकाल दिए हैं और इसके बाद हम ये चेन को बंद करेंगे। ये देखिए अब हमारा ये बैग पूरी तरह से तैयार है। इसको हम कहीं भी ले जाने में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्टेड मटेरियल है, इसलिए हम किसी फंक्शन में पार्टी में जाने के लिए भी इसको एज अ मोबाइल होल्डर यूज कर सकते हैं। इसमें कुछ सामान रख सकते हैं, गिफ्ट्स वगैरह रख सकते हैं या किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड मटेरियल होने के कारण ये बहुत शाइनी और बहुत ही सुंदर लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया